हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। पंचायती राज विभाग बिहार में जो बहाली आई थी राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, तो फ्रेंड्स उसके रिगार्डिंग में मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था 24 जुलाई 2019 को, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें जो है ऑनलाइन लिंक जो है सरकार ने फिर से यहाँ पर खोलने के लिए यहाँ पर एक सूचना जारी किया था, तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया था, ठीक है। तो उसमें जो है 25 जुलाई से लिंक जो है ओपन करने का उसमें सूचना दिया गया था। तो फ्रेंड्स उसी के रिगार्डिंग में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को कि दोबारा मौका दिया गया है और जो ऑनलाइन लिंक है वो एक्टिव हो चुका। तो फ्रेंड्स वो जो है लिंक एक्टिव हो चुका है और मैं पर यहाँ पर जो वीडियो लेके आया हूँ उसी के बारे में लेके आया हूँ कि आप लोग अप्लाई कैसे कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन जो अप्लाई है वो आज से शुरू हो चुका है, जो कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये नियुक्ति होने वाली है, ठीक है। और जो लास्ट डेट है ये 6 अगस्त 2019 तक है, अभी लंबा टाइम है, आप लोग आराम से आवेदन कर सकते हैं। और आपको आवेदन कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को देखिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बिहार में जो है अब जितने भी टेक्निकल पोस्ट है, तकनीकी पद, उसमें जो है बहाली होगी अब अंकों के आधार पर। बिहार में जो है एक नया रूल आने वाला है बहुत जल्द, तो ये वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आज का अपडेट है, मैंने शाम में इसको अपलोड किया है आज, तो आप जाकर देख लीजिए, बहुत ही काम की जानकारी है। और फ्रेंड्स बिहार में जो भर्ती चल रही है सभी जिलों में लेडीज सुपरवाइजर की, तो उसके लिए खुशखबरी है कि आवेदन का जो डेट है ऑनलाइन का और हार्ड कॉपी भेजने का दोनों का डेट बढ़ा कर दिया है 5 अगस्त 2019 तक, बहुत बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स, जाकर वीडियो आप जरूर देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बहाली चल रही है बिहार तकनीकी सेवा आयोग में, जो कि बिल्कुल नई भर्ती आई हुई है, स्टाफ नर्स ग्रेड ए और ट्यूटर के पदों पर, जो कि बम्पर भर्ती है 9,299 पदों पर, और लास्ट डेट है 26 अगस्त 2019, बहुत लंबा टाइम है, एक महीना से ज़्यादा टाइम है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो है ऑनलाइन आवेदन का लिंक एक्टिव हो चुका है और आज से ही शुरू है, ठीक है। तो आप जाके सब वीडियो देख लीजिए, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए अब दिखाते हैं आपको पंचायती राज विभाग में जो राज्य और जिला स्तर पर नियुक्ति के लिए आज से ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है, आप लोग कैसे अप्लाई करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और आप चाहते हैं कि जॉब्स के अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट पंचायती राज विभाग का बिहार का जो है, ठीक है। यहाँ देखिए संविदा पर SPMU ने की स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और DPMU ने की डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की नियुक्ति के संबंध में सूचना, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओपन होने के बाद वहाँ पर आपको लिंक दिखाई देगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी जो है थोड़ा सा बिजी है, शाम में थोड़ा सा बिजी रहता है क्योंकि आज ये लिंक ओपन हुआ है, इस वजह से जो है ये थोड़ा सा बिजी है, ये ओपन हो गया, देखिए फ्रेंड्स यहाँ ओपन हो गया। यहाँ पर आप जो विज्ञापन दे सकते हैं, संकल्प दे सकते हैं, नीचे दिया गया है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं ऑनलाइन अप्लाई पे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा और वहीं से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए ओपन हो रहा है धीरे धीरे, जो यहाँ पर अभी थोड़ा बिजी है क्योंकि आज ही ओपन हुआ है, देखिए आ गया पंचायती राज डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के अंतर्गत यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, जो कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ, जो पिछला वीडियो का मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था, आप लोग देखे भी होंगे, अगर नहीं देखे तो मैं फिर से बोल दूँ, ये जो अप्लाई करेंगे ये उसके लिए है जो लोग रजिस्ट्रेशन पहले से कर चुके हैं, ठीक है, और उन लोग किसी कारणवश जो है रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद उनको जो है OTP प्राप्त नहीं हुआ था, या वे किसी कारण से फाइनल सबमिट नहीं कर पाए थे, ये उनके लिए है, उनको जो UID और पासवर्ड मिला होगा उसे वो लॉगिन करके कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोग लॉगिन कीजिए और यहाँ पर डालिए कैप्चा कोड और अपना यहाँ पर सारा डिटेल्स भर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको एक बार वो सूचना दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो भरने में। तो फ्रेंड्स ये रहा सूचना जो कि बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आया था, जो कि मुख्यमंत्री गली नाली पक्कीकरण नीचे योजना के अंतर्गत जो है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के अंतर्गत जो है यहाँ पर संविदा आधारित पद था, उसके यहाँ निरंतरता के संबंध में यहाँ पर सूचना आया था। तो यहाँ पर जो है पहले जो 8/6/19 से 30/6/19 तक जो है आवेदन मांगा गया था, और उसमें जो है उक्त अवधि में बहुत सारे लोगों ने आवेदन समर्पित भी किया था, लेकिन
क्या है कि आवेदन पंजीकरण होने के बावजूद बहुत सारे लोगों का जो है वो सबमिट फाइनल नहीं हो पाया था, और बहुत किसी का यहाँ पर है कि आवेदन के लिए जो है OTP प्राप्त नहीं हो पाया था, उसमें जो है उसको आवेदन समर्पित करने में यहाँ पर कठिनाई हुई थी, ठीक है। और जो ऑनलाइन आवेदन का जो है डेट यहाँ पर बढ़ाकर 25 जुलाई यानी आज से 6 अगस्त तक कर दिया गया है, ठीक है। तो जिन लोगों को OTP प्राप्त नहीं हुआ था या जो लोग जो है फाइनल सबमिट नहीं कर पाए थे उनके लिए यहाँ पर मौका है, तो आप लोग जाइए और अप्लाई कीजिए ऑनलाइन, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं जो है इसका लिंक अप्लाई का लिंक जो है ऑनलाइन अप्लाई का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो लोग को छूट गया था वो लोग फिर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है फ्रेशर के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।